सुबह काला पानी एक ऐसी सजा थी जिसका सिर्फ नाम ही सुनकर लोगों की रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। हालांकि भले इस सजा के बारे में आप ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय देशवासियों के लिए फांसी के बाद ये सबसे बड़ी सजा थी। दरअसल काला पानी भारत के अन्य बांध निकोबार में बसे सेना जेल को कहा जाता था, जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनाओं को कैद में रखने के लिए बनाया गया था। भारत को आज़ाद करवाने के लिए सन 1856 में पूरे देश में क्रांतिकारी की लहर शुरू हो गई थी, और इससे घबराकर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया था, और जिन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई उन्हें आज उम्र कैद दे दिया गया ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दोबारा से कुछ भी ना कर सके। और फिर जैसे जैसे समय आगे बीतता गया तो आज़ादी की मुहिम और भी तेज होती गई, और अब ज़्यादा कैदियों को रखने के लिए अंग्रेजों को एक बहुत ही बड़ी जेल की आवश्यकता हुई, और इसलिए 1896 में अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक जेल बनाने शुरू की गई जो 1907 में जाकर तैयार हुआ। और इस जेल को भारत के लोगों ने काला पानी के नाम से जानने लगी, जबकि अंग्रेजों ने इस जेल का नाम सेनल जेल रखा था। और दोस्तों इस जेल का नाम इसलिए सेनल जेल रखा गया क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए एक अलग अलग सेल थी और कोई भी किसी एक दूसरे से आपस में बात तक नहीं कर सकता था, और यहाँ के लोगों की यही अकेलापन सबसे ज़्यादा खटकती थी। दरअसल जब भी देशभक्त जब एक दूसरे के साथ होते थे तब आज़ादी की कोई ना कोई प्लानिंग करते थे। इस बात से बचने के लिए इस जेल में सभी कैदियों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हुए थे, और ये जेल पानी से पूरी तरह से घिरी हुई थी, इसलिए कोई भी भागने की कोशिश करता तब भी आगे का रास्ता उसके लिए आसान नहीं होता। और दोस्तों जेल में कैदियों को बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, साथ ही उनको कूलों द्वारा तेल पिलवाया जाता था। और इस नरक से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और वो पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद वहाँ पर दिए जाने वाली सजा के डर से कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा बचे कुछ में से 87 लोगों को भी फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जेल में किए जाने वाले बुरे बर्ताव के कारण से 1933 में कैदियों ने भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में ज़बरदस्ती खाना ठूस देते थे। इस ज़बरदस्ती के कारण से बहुत से देशभक्तों को जान चली गई। हालांकि 1942 में जापान ने निकोबार पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिश लोगों को उन्हीं के बनाए हुए जेल में कैद करके रखा, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी आंदोलन की वजह से भारतीय लोगों को वहाँ से छुड़ा लिया गया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद जापान को हार की वजह से अंग्रेजों को इस जेल पर फिर से कब्जा कर ली। इस बीच 1947 में भारत भी अंग्रेज से आजाद हो गया। आगे चलकर भारत सरकार ने 1989 को इस जेल को राष्ट्रीय इमारत घोषित कर दिया, और यहाँ पर कोई भी जाकर भारत के वीर शहीदों पर जुलूम देख सकता है। इस जेल में एक म्यूजियम है जहाँ उस समय की हथियार जंजीर और फांसी के फंदे रखे हुए हैं, साथ ही इस जेल के दीवार पर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। और दोस्तों आज भले ही काला पानी जैसे कोई भी सजा नहीं रह गया, लेकिन ये इमारत क्रांतिकारियों के लिए वीरता की कहानी बयां करते हैं। हम भी भारत के जवानों को सैल्यूट करते हैं जो कि इतने जुलम सहने के बाद भी भारत की माता की जय बोलने से पीछे नहीं डरते थे।